सबसे पहले आप बताइए कि आज ये प्रोटेस्ट जो था ये किस लिए किया गया यहाँ पर? शराब फैक्ट्री बंद होने की, शराब फैक्ट्री के जी 4 साल से हम जहाँ पे रह रहे हैं तब से हम यही प्रॉब्लम देख रहे हैं। हर साल इनको एनओसी मिलती है, हमें ये समझ नहीं आता कहाँ से मिलती है। इतनी बदबू है, इतनी बीमारी है, कहने की बात नहीं। हमारा इस पॉल्यूशन ने जीना हराम किया हुआ है, इसी वजह से हमने ये आज बड़े मजबूर हो गए प्रोटेस्ट किया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हर मंगलवार को ये प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे जब तक ये फैक्ट्री शिफ्ट नहीं होती। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया, शिफ्ट करके यही दर्शन लिया मैजिस्ट्रेट, बोलो ये मैजिस्ट्रेट साहब अपने हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल साहब, अपने पॉल्यूशन कंट्रोल साहब का डायरेक्टर और हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शिफ्ट करके ही छोड़ेंगे। सर अभी जहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे उन्होंने क्या कहा कि हमें यही कहा कि जो पेपर तो ऑलरेडी आपने आपके पास है वो हम हमें दीजिए, हम उस पर स्टडी करते हैं और जो भी एक्शन होता है उनके अगेंस्ट सील करने का वो एक्शन करते हैं। बाकी अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो नेक्स्ट मंडे को हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा हर मंगलवार को ये हमारा प्रोटेस्ट है, इससे बढ़कर कोई नहीं रहेगी, टाइमिंग कोई नहीं रहेगी, टाइम में रहेगी और इससे ज्यादा लोग होंगे। धन्यवाद। चारू पासे थी, अब इस वक्त गवर्नर रूल है इसलिए हमें थोड़ी आशा है कि ये कॉरप्ट नहीं कर सकेगा लोगों को, इसी आशा पर हम निकले हैं। नहीं तो पोल्यूशन हो, वकीलत हो, वकील हो, कुछ हो, हर एक इसके जेब में होते हैं। इस वक्त अब हमें सिर्फ गवर्नर से आशा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब पता नहीं कितने हमारे फेफड़ों का क्या हाल हुआ है, इसमें तकरीबन 30,000 लोग बैठते हैं जी। ये दूर दूर तक इसकी बदबू जाती है, बदबू मगर इसका चलता तभी है 50 साल से क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस है। अब हम गवर्नर पर सब छोड़ रहे हैं, गवर्नर साहब शायद इस दौर में हमें इंसाफ मिलेगा और क्या हो, किसी आशा पर हमने ये किया है। सर 20 सालों से ये फैक्ट्री चल रही है तो आपने पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किया होगा? बहुत बार। सर क्या निर्णय आया था पहले? कुछ नहीं, पहले सरकारें थी, एनसी की सरकार थी, किसी की सरकार थी, इनका काम होता है, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। आज गवर्नर रूल है जिससे हमारा काम होगा और ये फैक्ट्री यहाँ से जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएगी, यही बात। सर